आइए दोस्तों, आज हम आपको फ्रंट नेक गला डिजाइन बताएंगे, जिसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है। ये पाइपिंग निकालनी है इसकी, और ये देखिए, ये हमें एक पट्टी हमने काटी है, इसको एक तरफ से ऐसे फोल्ड कर लिया है, दूसरी तरीके से हमें फोल्ड और करना है, वो हम बता देंगे आपको। ये 4.5 इंच का हमने पैच लगाना है आगे, ये हमने पेपर पेस्टिंग काट ली है 4.5 इंच की। तो सबसे पहले हम इसको पेपर पेस्टिंग करेंगे, और ये हमने 7 इंच का गला डीप काट रखा है, देखिए। तो ये गला भी हम गोल बनाएंगे इसमें। इस कपड़े को जो पाइपिंग के काम लेना है, इसको एक साइड से रख दे रहे हैं, और ये बटन हमने बना लिए हैं 5, ये भी काम में लेना है, ये भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो हमने इसकी ये कटिंग कर रखी है पहले ही। अब हमें देखिए, ये जो पेपर पेस्टिंग है, इसको इस पे कपड़े पे चिपकाना है। प्रेस हमारी गर्म है, थोड़ी ज़्यादा ही हार्ड हो गई। इसको इस तरीके से जो कन्नी है, कन्ने वाला हिस्सा निकाल देंगे, क्योंकि प्रेस हमारी थोड़ी ज़्यादा गर्म है, क्योंकि इस पे अगर लगा देंगे पेपर पेस्टिंग पे तो ये ख़राब हो जाएगी। तो हम देखिए इसको इस तरीके से चिपका देते हैं, ज़्यादा गर्म है तो इसको ऐसे करके रखेंगे, अब हमारी पेपर पेस्टिंग ख़राब नहीं होगी। ये देखिए ऐसे करके, ये अभी इसको हम ऐसे करके देखिए ये काट लेंगे। ये देखिए ऐसे करके, और ये वाली साइड भी, अब इसको पेस्टिंग को अच्छे तरीके से चिपका देंगे। ये हमारी चिपक गया है पैच, इसको हम इधर रख देंगे। ये हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी काटी थी, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, 2 इंच चौड़ी के करीब पट्टी काटी है। ये हमने 1 इंच एक सूत की करीब ये बनाया है। तो इसको हमें इस तरीके से, देखिए हमने एक एक साइड से तो फोल्ड कर रखा है, और दूसरी साइड से किस तरीके से फोल्ड करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐसे करके यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और 1 इंच एक सूत का हम इसको बिल्कुल इस तरीके से नाप लेंगे, और 1 इंच एक सूत का हम बिल्कुल इसको बराबर करके ऐसे फोल्ड कर देंगे। देखिए ये देखिए ऐसे करके, ये करने के बाद में ये मार्जिन के हिसाब से मैं इसको ऐसे करके देखिए काट दूंगा ये। तो ये इस तरीके से ये चौरस पीस ऐसे हो जाएगा। फिर देखिए इस तरीके से ही, ये देखिए ऐसे करके, जब भी अगर कभी ऐसा काम करें जिस पे कि ये हमें कुछ भी चीज़ फोल्ड करनी है बारीक, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि प्रेस लगाने के बाद में या तो आपके पास में कोई चीज़ ऐसी होना चाहिए जो रख दी जाए उसके ऊपर, या तो फिर हाथ से। ये देखिए फिर इसको इस तरीके से देखिए नाप लेंगे, और इसको भी ऐसे करके देखिए चिपका, ये देखिए इसको इस तरीके से चिपका लेंगे, इसी तरीके से यहाँ फोल्ड कर लेंगे, सॉरी बाकी भी मैं इसी तरीके से फोल्ड कर लूँगा। ये देखिए, तो इसको सीखने के लिए चलिए चलते हैं मशीन पर। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने 5 पीस इस तरीके से फोल्ड कर लिए, ये पूरे इस तरीके से, इनको हम इस तरीके से साइड से रख दे रहे हैं। अब हमें इसमें पाइपिंग निकालनी है, तो ये हमने जो कपड़ा ले रखा है पाइपिंग के लिए, देखिए इसको इस तरीके से रखेंगे, और इसको हल्का सा जो पाइपिंग वाला कपड़ा है ना, उसको एक आध सूत इधर एक्स्ट्रा करके निकाल के रखें, क्योंकि इससे पाइपिंग में ज़रा थोड़ी सी गैटअप अच्छी आती है। तो जितनी भी आपको बारीक पाइपिंग निकालनी है, उस हिसाब से इसको ऐसे करके दबाएं। ये देखिए ऐसे करके, ये ऐसे करके और ये उतार के देखिए इसको इस तरीके से ये नखून से ऐसे सेट कर देंगे। ये देखिए ऐसे,
इसको इस तरीके से देखिए, ये देखिए ऐसे करके, ये क्योंकि ये पाइपिंग जब भी निकालें तो थोड़ा सा आराम से सिलाई लगाएं हाथ रोक के, क्योंकि इस पे अगर धागे, अगर ये सिलाई देखिए चढ़ जाती है तो फिर वो गंदी लगती है। तो इस तरीके से ये देखिए निकालने के बाद में इसको हम इस तरीके से आधा इंच मार्जिन अंदर छोड़ के काट देंगे। देखिए ये देखिए इस तरीके से। अब इसी तरीके से हम ये दूसरे वाली तरफ इतना देखिए निकाल देंगे और इसको ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए इस तरीके से आराम से हाथ रोक के लगाएंगे सिलाई तो फिर नहीं चढ़ेगी उस पर। इसमें आप धागे वाली पाइपिंग भी निकाल सकते हैं, एक बार में ही निकल जाएगी वो। ये देखिए इस तरीके से ये ऊपर वाला हिस्सा, इसको नीचे हम कर देते हैं। तो इसमें भी देखिए नीचे की साइड में इसको इस तरीके से, ये देखिए इसको हम ऐसे करके काट देते हैं। ये देखिए इसको यहाँ से ऐसे करके देखिए, ये कोना बनाना है तो इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए ऐसे करके, ऐसे करके, और इसको भी इधर से कपड़े को फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के बाद में देखिए इसको कपड़ा, ये जो ये वाला है ना, इस कपड़े को बाहर ना निकालने दें, क्योंकि बाहर निकलेगा तो यहाँ से ख़राब लगेगा। ये देखिए अब इसको भी हम इस तरीके से कपड़े को काट देंगे। ये देखिए ये ऐसे करके, अब ये देखिए ये जो पीस मैंने फोल्ड करे थे इनको हमें करना क्या है, देखिए इस तरीके से ये देख लेंगे कि 5 ही लगेंगे या ज़्यादा लगेंगे। ज़्यादा लगेंगे तो हम और इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ऐसे करके ये बराबर बराबर से, ये देखिए ऐसे करके। इस पर हम ब्लैक सिलाई लगाएंगे धागा चेंज करके। अभी हम इसमें एक पीस और फोल्ड कर लेंगे, एक या दो पीस, उसके बाद लगा देंगे इनको। तो इसको इस तरीके से बीच सेंटर करके देखिए ये, और इस पर ब्लैक से सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक पीस और फोल्ड कर लिया है, ये हमारे पास 6 पीस हो गए हैं। और इसको देखिए इस तरीके से मैंने ये बीच सेंटर से ये ऐसे तोड़ दिया। और ये देखिए इसको किस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें इसको रोकना पड़ेगा बीच सेंटर से। तो ये यहाँ से देखिए इस तरीके से हमने इस पर काला धागा लगा रखा है। इस सिलाई को आप कच्चा कर लें, क्योंकि ये सिलाई जब सिलाई लगने के बाद में खोल देंगे। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि ऐसे करके लगा लेंगे तो ये पीस आपके जो हैं ये इधर उधर फिसलेंगे नहीं। देखिए इस तरीके से, ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए
इससे क्या है ना, ये जो जितने भी पीस हैं हमारे जो हमें सिलाई दोगे, ये छोटे पीस होते हैं ना, इन पे अगर आप सिलाई लगाएंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है, तो इसलिए अगर ऐसे आप सेट कर लेंगे इसको तो ये पीस सही और सीधे लग जाएंगे अच्छी तरीके से। बस थोड़ी सी मेहनत तो करना पड़ती है इस पर, इस तरीके से सिलाई लगाने में, बाकी फिर लगाने में फिर आसानी हो जाएगी, नहीं तो इधर उधर फिसल जाएगा तो फिर वो एकदम अच्छी लुक नहीं आती उसकी। ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए अब ये कच्ची सिलाई ऐसे करके लग गई, तो ये इधर उधर फिसलेंगे नहीं। अब इस पे आराम से आप छोटी सिलाई कर लें और उसके बाद में इसको सिलाई को लगा लें। यहाँ पे देखिए पक्का कर लें ऐसे करके, देखिए अब ऐसे करके इधर से ऐसे करके लगाएंगे, ये वाला हिस्सा देखिए ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके, ये बड़े आसानी से इस तरीके से लग जाएगा, क्योंकि आप देखिए आप ज़्यादा सेट नहीं करना पड़ेगा, जो ये कपड़ा अगर निकलता हो इसको इस तरीके से अंदर कर देंगे। ये देखिए ऐसे करके, तो ये यहाँ से इस तरीके से ये ऐसे करके ये सारी सिलाइयाँ मैं लगा लूँगा, उसके बाद में इस पैच को किस तरीके से जमाएंगे और गला किस तरीके से जमाएंगे वो आपको बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने सिलाई लगा ली है बड़े फिनिशिंग के साथ में, और जो बीच में मैंने सिलाई लगाई थी वो मैंने निकाल दी है। तो देखिए इस तरीके से अब इसको हम किस जमाएंगे, जमाने के लिए देखिए ये हमारा जो गला है, जो हमने गले को देखिए पहले ही इस तरीके से इसको जमा लिया था, तो इसको ऐसे फोल्ड करके यूँ रखेंगे और चौक से एक निशान लगा लेंगे ऐसे करके, देखिए इतना अंदर, और इसको इस तरीके से ऐसे करके नाखून से निशान लगा के, और ये देखिए इस तरीके से ये निशान उठा देंगे। अब ये देखिए ये जो है इस तरीके से इसके बराबर से ऐसे लगेगा ये सेंटर। अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से कच्चा भी कर सकते हैं पहले, नहीं तो ऐसे भी लगा लें अगर आप लगा सकते हैं तो। ये देखिए ऐसे करके आराम से नीचे वाला जो हिस्सा है इस कपड़े का, इसको खींच के ज़रूर रखें, क्योंकि जब ऐसे कोई पैच लगाते हैं ना तो नीचे झोल आ जाता है इस तरीके से। ये देखिए ये थोड़ा सा कपड़ा इधर निकल रहा है, इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे तो ये अंदर की साइड उधर फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए ऐसे इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए ऐसे करके फोल्ड करके ये सिलाई लगा के और ये धागा काट के, अब ये देखिए ये जो फोल्ड करा हुआ रखा है इसमें भी हम इस तरीके से कट लगा लेंगे 20 सेंटर का, और इसमें भी लगा लेंगे 20 सेंटर का कट। ये देखिए ऐसे करके अब इस गले को जमाने के लिए जो है, देखिए ऐसे करके जमाएंगे, पहले इस गले को देखिए इस तरीके से रख लेंगे यहाँ पे, ये इसकी गैपिंग, और इसको इस तरीके से यहाँ से ये हमने जो है ना पैच थोड़ा सा ऊपर करके लगा दिया, तो हमें हल्का सा गला जो है छोटा करना पड़ेगा, और इसको देखिए ऐसे करके, क्योंकि जब भी लगाने से पहले इसको ज़रूर चेक कर लें कि पता चला कि जैसे अभी मैं इसको लगा देता तो ये जो पैच लगाया है ना ये थोड़ा सा दब जाता, तो इसको इस तरीके से देखेंगे कि ये बिल्कुल इसके बराबर से, ताकि पाइपिंग इसमें निकल जाएगी, गले में भी हमें पाइपिंग निकालनी है, तो इस तरीके से देखिए इसको ऐसे कच्चा कर लेंगे और यहाँ से इसको सेंटर कर लेंगे। ये देखिए ऐसे करके इधर से ही
कच्चा कर लिया है। अब ये आधा गला आप इधर से सिलाई लगा दें, ताकि इसको देखिए जब ऐसे करके लगाएंगे तो ये हमारा गला यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल इसमें दब जाएगा। ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए, और इधर से ये सिलाई इस तरीके से लगा लेंगे। ये 20 सेंटर की सिलाई इसीलिए लगाते हैं ताकि गला हमारा इधर उधर ना फिसे। ये देखिए इस तरीके से, अब इस मार्जिन को हम देखिए हल्के से ऐसे, ज़्यादा नहीं हल्का, एक सूत के मार्जिन से इस तरीके से देखिए गला ये काट देंगे। ये देखिए ऐसे करके, और ये यहाँ पे इसकी गुलाई में इस तरीके से देखिए कट लगा लेंगे यहाँ पे। इस तरीके से देखिए कट लगाने के बाद में इस पे जो है हम एक लपकी सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे, और लपकी सिलाई लगाने के बाद में इसमें ऐसी गले में पाइपिंग लगा के मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी फाइनल लुक है। मैंने इसमें पाइपिंग इस तरीके से लगा के, और ये जो बटन बनाए थे ये बटन मैंने इस तरीके से देखिए ये लगा दिए हैं पहले ही इस तरीके से। अगर इस तरीके से आप बटन लगाएंगे तो देखिए इस गले की जो लुक है ना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से आसानी से आप अपना गला बना सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।